हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइड इफेक्ट चैनल। दोस्तों, आज हमारा वीडियो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। तो आप अगर मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमारा चैनल बिल्कुल फ्री है फॉर ऑल एमबीए प्रिपरेशन एग्जामिनेशन के तैयारी के लिए। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसा टॉपिक है कि आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, कोई सा एमबीए हो या दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन आपको आता ही आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, इंग्लिश के क्वेश्चन के अनुसार। तो ये आपको मिनिमम 10 और मैक्सिमम 15 मार्क्स के आते हैं एग्जाम के, हर कॉलेज के एग्जाम में या आप जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हैं उनके भी ये 10 मार्क्स या 15, मैक्सिमम 15 मार्क्स के आते हैं। तो इसको सही तरीका क्या है सॉल्व करने का, कम टाइम बचाने में, क्योंकि टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है एग्जामिनेशन में। तो सही तरीका क्या है? तो मेरे हिसाब से सबसे पहले अगर आपको जो तरीका अच्छा लगे वो अपनाना, मैं अपना बताता हूँ। अगर सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लो, सारे क्वेश्चंस जितने भी पूछे जाते हैं, क्वेश्चन को एक बार जरूर पढ़ लो। पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से पहले क्वेश्चन पढ़ो कि क्वेश्चन क्या क्या है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। फिर आप पैसेज पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्वेश्चन पढ़ने के बाद पैसेज पढ़ना जैसे ही स्टार्ट करोगे, आपको पता लगते रहेगा कि फर्स्ट का आंसर ये होगा, सेकेंड का आंसर ये होगा। आप अंडरलाइन करते जाओ पैसेज में, या ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है तो उस पॉइंट को याद रखो कि हाँ इसका आंसर ये है, थर्ड का आंसर ये हो सकता है। तो आप, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप क्वेश्चन को पहले पढ़ो, फिर पैसेज को पढ़ना स्टार्ट करो। आप इजीली तरीके से कम टाइम, आखिर दोनों तरीका सही है, लेकिन आपको कम समय में आपको जल्दी सॉल्व करना है तो ये करना ही होगा। क्योंकि अक्सर लोग करते हैं कि पहले क्वेश्चन, पहले पैसेज पढ़ते हैं, फर्स्ट पैसेज रीड करते हैं, फिर क्वेश्चन रीड करते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर पैसेज रीड करने लगते हैं। तो इसमें तीन तीन तरीके से आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। तो इससे बढ़िया आप क्वेश्चन ही पढ़ के पैसेज को पढ़ते जाओ, आपको आंसर मिलते जाएगा। और कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो काफी डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन आपको अगर आता हो तो करें। अगर आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं हो तो आपको तो सभी क्वेश्चन करनी है, अगर नेगेटिव हो तो आपको वो क्वेश्चन छोड़ देना है, अगर नहीं आए तो। क्योंकि ऑथर पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार से सारे क्वेश्चन के जो आंसर रहते हैं सारे लगते हैं सेम ही होगा, सारे सही लगते हैं। ये अक्सर क्वेश्चन में देखा गया, ऑथर पॉइंट ऑफ व्यू से पैसेज के बारे में क्या है, वो सारे क्वेश्चन के आंसर ही सेम लगते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग हो, ऐसे कि टीस में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जेड में कुछ कंडीशन में नेगेटिव मार्किंग और बाकी सब में होते हैं, तो आपको कुछ कुछ में ये क्वेश्चन, अगर आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग हो, अगर नहीं आ रही हो आपको, तो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपको नेगेटिव मार्किंग और भी आपको नंबर को डाउन कर सकता है। तो इस तरीके से अपनाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पहले स्टार्ट करने का तरीका है, इजी पैसेज से स्टार्ट करो। इजी पैसेज जो भी होते हैं, इजी पैसेज जितने भी होते हैं, फर्स्ट स्टेप इजी पैसेज से स्टार्ट करो। आप धीरे धीरे सीखते जाओगे, धीरे धीरे सीखते जाओगे। कोई सा भी डिफिकल्ट होगा आपका तो आप इजीली सॉल्व कर दोगे। क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं कि पहले ही डिफिकल्ट पैसेज को सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन तरीका वो गलत है। पहले आप इजी से स्टार्ट करो, फिर उसको डिफिकल्ट करो, डिफिकल्ट करते जाओ, और लास्ट में जो हाई लेवल के जो बहुत ही डिफिकल्ट रहते हैं उसको सॉल्व करो। तब आप सही तरीके से सीख जाओगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को करना, क्योंकि आपको पहले ही नहीं, पहले इजी को ही नहीं सॉल्व किए तो आप हार्ड को कैसे सॉल्व करेगा। तो यही बात है दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। इसी तरह आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।